फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी लैक्मी आइकॉनिक काजल का रिव्यू। लैक्मी हमारे इंडिया का बहुत जाना माना ब्रांड है और काफ़ी पुराना भी है, इसलिए महिलाएं इस पर बहुत ही ट्रस्ट करती हैं। लैक्मी का बहुत पहले एक मोटा सा आता था काजल, जिसके ऊपर सिल्वरी सिल्वरी प्रिंट होता था और उसे जो है शार्पन करना पड़ता था, और उसका जो टेक्सचर था वो काफ़ी गीला था पर फुल ब्लैक था। वो मुझे बहुत पसंद था तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये वाला ख़रीदा है। ये इन दिनों करीना ऐड दिखाती है और काफ़ी चर्चित है टीनेजर्स में और जो महिलाएं ऑफिस गोअर्स हैं उनमें भी। तो मैंने भी सोचा इसको ट्राई किया जाए, तो मैंने ट्राई करने के बाद इससे मैं 70% सेटिस्फाई हूँ। 70% इसलिए क्योंकि इसके पहले मैंने मेबलिन यूज़ किया हुआ था। मेबलिन जो है वो क्या, वो ब्लैक है, फुल ब्लैक, बट क्या है उसमें एक दिक्कत था, उसमें दिक्कत था कि वो अच्छे से बैठता नहीं था। आप आँखों पे लगाते थे तो वो अच्छे से दबता नहीं था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता था, वो काफ़ी ड्राई था। एक तरह से ये फ़ायदा था कि वो स्मज प्रूफ था, पर वो घिसने के बहुत सारी घिसने के बाद वो बैठता था, तो ये उसके साथ दिक्कत था। इसके साथ वो दिक्कत नहीं है, ये आपके अच्छे से आँखों में बैठ जाता है। और आप अगर ज़्यादा डीप चाहते हैं तो आप 2 बार अप्लाई कर ले, यानी तो और डीप तो 3-4 बार अप्लाई कर ले, फुल ब्लैक लुक आपको देता है आइज़ में। ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आइज़ में आप आई मेकअप में आप क्या कर सकते हैं, एक काजल से आप ड्राइंग की तरह आँखों पर कर ले, उसके ऊपर आई लाइनर देंगी तो वो लाइन ज़्यादा सुंदर बनती है। काजल का ये काम होता है। या नहीं तो अगर आप सिर्फ काजल से ही सजना चाहते हैं तो काजल को पहले आप थोड़ा गीला कर लें, उसका जो नोक है मैं थोड़ा आपको दिखा लूँ, ये रहा, इसको आप थोड़ा गीला कर ले, पानी से हो गया या नहीं तो कोई भी हर्बल ऑयल, याद रखिए केमिकल ऑयल ना दे वरना आँखों में जल सकता है, हर्बल ऑयल या नहीं तो आप दोनों हाथों से ही लेकर के ऐसे दबा ले थोड़ा, इससे जो है ये काजल फिर अच्छे से बैठता है आपके आँखों में। उसे दबाने के बाद आप उसे आँखों में अप्लाई करें। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितना गाढ़ा या लाइट है। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मेरा एक डायरी का पेज, क्योंकि मेरे हैंड्स खाली नहीं हैं, मेरे दोनों हाथों में, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। मैं इस डायरी पे आपको दिखा दूँ ये कितना गाढ़ा है। मैं यहाँ पे भी रिव्यू ट्यूब लिखने वाली हूँ, सी। मैं हल्के हाथों से पकड़ी हूँ, आर मैंने बहुत ही दबा के लिखा तो इस तरह से ज़्यादा डार्क है, बाकी सारे अक्षर मैं हल्के हाथों से लिख रही हूँ। टी को भी मैं थोड़ा दबाने वाली हूँ। यही इसका टेक्सचर है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है अपनी आँखों में लगाते हुए, आप वो भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में या नहीं तो और किसी कॉस्मेटिक्स के बारे में, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, मैं इनके बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, तो मैंने काफ़ी सारा एक नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे जानकारी देती है, खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।